माँ, गांव में एक वैद्य आए हैं जो ये कहकर लोगों को दवा दवा नहीं जादू है, जादू इन पुड़ियों में है। माँ तुम भी, पर तुम्हें क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा उनके इलाज से मेरा वजन झट से कम हो जाएगा। पर माँ, वजन कम करने के लिए दवा नहीं तुम्हें कसरत करनी चाहिए। तुम क्या वैद्य जी से ज्यादा जानती हो? बहुत जाने माने वैद्य हैं वो। और फिर अगर बैठे बैठे इनसे वजन कम हो जाए तो कसरत करने की क्या जरूरत है? और इससे हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज हो जाने वाला है। ये यहाँ कागज क्या रखा है? पास के गांव का सूचना पत्र है, लोगों में बांटने के लिए रखे हैं। सावधान, ये ठग जिसका नाम बिरजू है, अगर आपको कहीं दिखे तो उसे पकड़वाने में मदद करे। हैं? वैसे इसके बाल तो अपने राजू जैसे ही हैं। लो अभी बदल लेता हूँ। ये कुछ जच नहीं रहा। क्या हुआ चिटकी, क्या सोचने लगी? ये तो बिल्कुल हसमुख वैद्य जैसा दिखने लगा। चलो। आ गया ना लाइन पर। हमारी नकल कर अब तुम भी वैद्य जी के पास आ ही गए। तुम क्या इलाज कराने आए हो? हमारे शक का इलाज कराने। किस तकलीफ का इलाज चाहते हो? हर तकलीफ का इलाज वैद्य हसमुख के पास है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बता सकता, शर्माती है। आपके कान में बताऊंगा। देख लो गांव वालों, ये कोई वैद्य नहीं, ये है बिरजू ठग, जो आप सभी को दवा के नाम पर फंसी हुई चीनी बेचकर ठग रहा था। पता चल ही गया है तो ये भी पता होगा कि बिरजू ठग डंडा चलाने में कितना माहिर है। तेरा भी इलाज करता हूँ। मुझे उसकी जरूरत नहीं, मेरी दवा तो मेरे पास ही है। तुम्हारी ठगाई का इलाज है मेरे पास। अब दवा नहीं तो हमें कसरत ही करनी पड़ेगी। बोलो बोलो आ आ। दांत निकालना होगा। मैं नहीं निकलवाऊंगा। अरे अरे राजू रुको तो। दांत तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। नहीं, निकालूंगा निकालूंगा दांत निकालूंगा। भीम, चुटकी, जग्गू मुझे बचाओ। सा
सिद्धांत, पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बनके लोगों को परेशान करता है। क्यों नहीं, जब मेरे सारे दांत एक्सीडेंट में टूट गए तो सारी दुनिया के भी टूटने चाहिए। सेम टू सेम, सेम पिंच है ना, है ना, है ना? हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। डॉक्टर होने के फायदे बहुत हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म जो मरीजों को बेहोश करने में काम आता है। दांत निकालोगे उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू, जाओ। इस बार तुम्हें बेहोश करके ही दांत निकालूंगा। नमस्ते महाराज। नमस्ते मंगल महाराज। नमस्ते महाराज इंद्रवर्मा, ये तोहफा हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे पड़ोस वाले महाराज सोनी सिंह ने भेजा है।
ये डाकू मेरे बगल में क्या कर रहा है? डाकू महाराज, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मंगलू, धौलपुर का नया महाराज है। नया महाराज? सिपाहियों यहाँ आओ और गिरफ्तार कर लो इस डाकू को और बाकी के डाकुओं को। लेकिन महाराज, मंगल सिंह तो आपका दोस्त है और उनके दोस्त हमारे दोस्त हैं, तो हम कैसे? भीम, मेरी चाल बस कामयाब होने ही वाली थी। हमारे होते हुए तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं हो सकती मंगल सिंह। शुक्रिया भीम, तुम सब नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। बेटा, बता सकते हो ढोलकपुर का रास्ता किस तरफ है? हाँ? ये क्या मस्ती की भी कोई हद होती है? माफी नहीं मिलेगी, अदला बदली हो जाए, सब एक दूसरे में खो जाए। लो हो गया। क्या हो रहा है? जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना होगा, क्योंकि आज शाम हमसे मिलने पड़ोस के गांव के महाराज आने वाले हैं। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखें। फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ भीम, जिन साधु ने ये अदला बदली का दंड दिया है, इसका तोड़ भी उन्हीं के पास होगा। तुमने सही कहा चुटकी, चलो चले। महाराज, हम ढोलकपुर से आए हैं। अब तो हो गई अदला बदली, क्या करने यहाँ आए हो बच्चे? मैं जानता हूँ कि इनसे गलती हो गई और इसीलिए हम सब आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। हाँ, हमें सबक मिल गया। अब हमें पहले जैसा बना दीजिए। मेरे पास उपाय है। इस दवा को जिस पे भी छिड़कोगे वो पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2-3 बूंद है महाराज। हाँ, ये दवा सिर्फ 4 लोगों को ही ठीक कर पाएगी। सबसे पहले मुझे ठीक करो, मैं इन लंबे बालों से परेशान हूँ। साधु जी, बताइए इस शीशी को हम कैसे भरें? पानी से, लेकिन वो पानी ना समंदर का हो, ना नदी का, ना कुएं का हो, ना ही बारिश का। ऐसे पानी की बस एक ही बूंद काफी होगी। शुक्रिया। मैं सिर्फ कालिया, चुटकी, राजू और जग्गू को ही ठीक करूँगा। नदी का हो ना समुद्र का, ना कुएं का ना बारिश का। शुक्रिया भी, अब सर का बोझ कम हुआ।
हारे होते हुए ढोलकपुर को कुछ नहीं हो सकता। शाबाश भी। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। कालिया अभी तक नहीं आया। ताकत का फॉर्मूला पिया है भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फॉर्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। प्रोफेसर, पर कालिया हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में है। नहीं, वो मंगल सिंह है, उसने महाराज का रूप लिया है। क्या
मतलब वो नकली है। तो फिर महाराज है कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। शुक्रिया भीम। महाराज हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। मैं भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्र वर्मा बहुत बीमार है, अगर इलाज नहीं मिला तो। अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्र वर्मा का इलाज कर सकती है। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये क्या? हाँ, लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा। अरे वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अयो, पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी, देखना। ओ मैं अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी,
जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। मेरे कब्जे में और ये जादुई खुशबू मेरे हाथ में। अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भी और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं ये जहाज किस तरह उलट पुलट हो रहा था? और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, दाएं तरफ घूमो। जहाज अपनी जगह से हिल रहा है। जेवर, तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। तुम ऐसे चोरी नहीं कर सकते। अयो चोरी? अयो महाराज, अगर मैंने आपसे जबरदस्ती ये जेवर लिए हैं तो वापस ले लीजिए। नहीं नहीं भीम, अगर कोई अपनी मर्जी से जेवर दे तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। फिक्र मत करो दोस्तों, वो चालाक है तो हम भी कुछ कम शातिर नहीं है। किसी तरह उस बांसुरी को उससे दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ आओ। बिछाना है, हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। अयो जादुई ढोल, ये ढोल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये जादुई ढोल तुम्हें कहाँ से मिला जी? बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अय्या ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है ठीक है, ले लो। ये लो, ये दे दो, ये दुकान मुझे दे दो।
भैया इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है नकली। हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही ढोल बजता है।